दुनिया में कहां आपको ऐसा मुल्क मिलेगा जहां इतनी सारी भाषाएं हो। ये कभी नहीं हुआ था। लोग पॉलिटिकल ब्रीफिंग्स में जाते थे, पार्टी ऑफिस में बैठते थे। कोर्ट की अहमियत हमेशा थी, ये मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अब तो डेली अहमियत बन गई है। मीडिया पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूँ, क्योंकि पूरा नक्शा मुल्क में बदलने की कोशिश हो रही है और हर चीज चैलेंज हो रही है। कि आज का दौर भी उस समय जो 1976-1975 में जो स्थिति थी, मुझे लगता है कि आज भी अघोषित आपातकाल में हम लोग रह रहे हैं। वकीलों को पहले सुन लूं, ये भाषण देते हैं, हम सवाल पूछते हैं, हम पत्रकार हैं, उस तरह के पत्रकार हैं कि सवाल पूछने में ज्यादा आरामदेह लगता है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी हिंदी मिला के मैं कुछ चीजें कह सकती हूँ। इसका मोटो है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये मुझे बोला गया। अब लिबर्टी और इक्वालिटी पे सवाल है, लेकिन फ्रेटर्निटी आप सब हम लोग साथ बैठे हैं, चाहे जो भी हो तो फ्रेटर्निटी है। जहां भी वेर एवर वी आर इन स्मॉल नंबर्स, दोज हु ऑब्जेक्ट, कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर्स, those who are ready to speak out. In the case of journalists, the cliche is ki speak truth to power. I say speak truth about power. That we should do. And I hope to be, continue to always be one of the journalists who can do so. We are living in an age where everything about the nation state is being transformed. Hum log aise daur mein guzar rahe hain, में जी जिंदा है कि हर चीज बदल रही है और इतनी तेजी से बदल रही है कि बिल्कुल एक झोंके में लग रहा है, झटके में सब कुछ जा रहा है। जो उम्मीदें हमारे संविधान में थी, जो हम सब की थी, जिस मुल्क में मैं बड़ी हुई, कभी ये नहीं लगा, किसी ने हिम्मत नहीं की कि बताए कि ये आपका मुल्क नहीं है। अब सब कहते हैं, काफी लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, टीवी शोज पे कहते हैं, और लेकिन और धमकियां मिलती हैं, ये रूटीन हो गया है मीडिया के लोगों के लिए, धमकियां मिलती हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ये सब होता है आज के दौर में। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगी कि ये मुल्क फिर भी बहुत यूनिक मुल्क है। दुनिया में कहां आपको ऐसा मुल्क मिलेगा जहां इतनी सारी भाषाएं हो, जहां इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हो। और तो वी वर नेवर परफेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वी हैड अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। आई ऑल्सो टीच इन सम यूनिवर्सिटी, सो आई ऑफन टेल माई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आई ओपन द करेंसी नोट एंड आई से जस्ट लुक एट द लैंग्वेजेस ऑफ द करेंसी नोट। There is no country which has that, you know. There is no country which has so many languages, so many traditions, so many diversities as we do. I tell them that. I said first, then we can see the imperfections. We can see the long distance we have to travel. We all know, gathered here today, what is wrong, what is going wrong in our country. I would also say that there is still a lot to protect. Because we have still not gone through the horrors that many parts of the world have gone through. I happened to be in Europe this summer. I was staying with a friend somewhere in France, and not only, so they created what they thought were these perfect Western societies. और अब वहाँ पे वही दोस्त जहाँ पे हम rural France में, मैं 2 महीने वहाँ थी रूरल फ्रांस में, वहां पे अब वो लोग उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, कह रहे हैं कि इस बार हीटिंग वगैरह शायद नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा वो तो इनकन्वीनियंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग के जो लोग हैं, उनको जो इनकन्वीनियंस सफर करनी पड़ रही है यूक्रेन के युद्ध के बाद। बट नॉट यूरोप हैज हैड वर्ल्ड वॉर्स ऑन अ स्केल, रशिया हैज अ ड्रामेटिक हिस्ट्री, China, all these countries, they have known totalitarian regimes. I have traveled to Iran. It is a very, very interesting country.
Today there is a protest by a section of Iranian women. I have written about this recently extensively. So जब मुझे लोग बहुत लोग सराउंड कर देते हैं और कहते हैं सब खत्म कर दिया, मातम का वक्त आ गया, तो मैं कहती हूँ नहीं, बहुत कुछ बचा भी है. हम लोग सब we are in solidarity and there are many things to be preserved here. Today we are standing opposite the Supreme Court. I know many people would be disappointed in the verdict that has come in the case of Professor Sai Baba. There is no doubt about that. We are also living in an age where court verdicts are so important. पता नहीं आप लोग कितने लोग यहाँ, तो हमारे मंच में सब लॉयर्स बैठे हुए हैं और मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर, ये PUCL के सिविल लिबर्टीज के जंग के बारे में आपको मुझसे बेहतर बताएंगे. मैं पत्रकार हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ, मुझे भी धमकियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी मैं विक्टिम नहीं हूँ. बहुत लोग हैं असल में, मेरी फिर भी आवाज बुलंद है, मैं आपके सामने आके बोल रही हूँ. हालांकि लोग आज के दौर में कहते हैं आप कहीं ना बोलिए, कुछ ना बोलिए, क्योंकि आप ऐसे एक समुदाय से हैं जहां हर शख्स प्रोफाइल होगा. लेकिन आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट आई मस्ट लूज माय वॉइस और आई मस्ट बिकम साइलेंट. सो ब्रॉडली इन दिस यू हैव कॉल्ड इट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. There are many people whose liberty is being questioned. Equality was always highly unattainable in Indian society. Let's not pretend that the idea of inequal citizenship has just dawned upon us today. Let us be conscious of the nature of the structures in our society which are controlled still by one section of society, including the same media that I come from. There has just been a report published, I have shared it on my Twitter handle, that 90% of media ownership is still held by one section of the upper caste. There is no Dalit or Adivasi representation at all. These are very, very crucial issues. We tend to ignore all these issues. If you are fighting for the civil liberties of, that one section of my own media from where I am, all the decision making, 90% is in one section of Indian society. I think these are also things we have to focus on. We are, of course, there is so much hate speech and violence targeted at Muslims, but let us not forget that actions against Dalits and Adivasis continue without being publicly declared as such. Just a few days ago, in a house in Karnataka, there was a report of 16 Dalits being locked up in the home of a BJP supporter. It came out, it was carried by all the media outlets. Just some months ago, there was a report of a member of the Bharatiya Janata Party in Jharkhand tying up her Adivasi maid, abusing her. Doing all of this, this has also happened. These crimes also continue without the focus that the Hindu-Muslim crimes get today, because they are part of a political design. अभी दिल्ली में ही hate speech हुई, उसमें एक member of parliament भी शामिल थे, उन्होंने economic boycott की बात की है, और लेकिन उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन अभी तक हुआ नहीं है. यहाँ पे हाई कोर्ट में जस्टिस मुरली, उनको हटाया गया जब उन्होंने कुछ साल पहले, ही वॉज ट्रांसफर्ड आउट जब उन्होंने, ये वही दिल्ली के नेतागढ़ ने जो हेट स्पीचेस की थी उसके बाद उनको ट्रांसफर आउट किया है. अभी कुछ दिनों पहले मैंने खबर पढ़ी कि उनको ट्रांसफर, उसके बाद वो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे, फिर उनका ट्रांसफर होना था तमिलनाडु, शायद वो रुका हुआ है. हमारे लॉयर फ्रेंड्स ये सब अपडेट्स मुझसे बेहतर जानेंगे. तो हिंदुस्तान में मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो जिस तरह से अब मीडिया आउटलेट्स भी लिख रहे हैं, हिंदू साइड हैज टू फाइट सम मोर. व्हाट हिंदू साइड आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस टू द केसेस इन बनारस, इन वाराणसी कोर्ट. जिस तरह से भाषा इस्तेमाल कर रही है,
वी कैन से द हिंदू द पिटिशनर्स वी कैन से आई थिंक वी एज अ जर्नलिस्ट आई वुड से वी हैव टू बी केयरफुल एंड दिस वाज इन अ वेरी रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट द हिंदू साइड द मुस्लिम साइड इवन इन द लैंग्वेज वी हैव टू बिकम केयरफुल वी कैन से द पिटिशनर्स इन दिस केस Because as I have said again and again, I say it again at every public time I'm asked to, we are very, very diverse. Nothing is ever over till it's over. You know, nothing is ever ends. We are very diverse and we do now and then get some kind of brilliant judgment and then we are disappointed. But everything, aaj ke daur mein har cheez court kyun pahunch rahi hai? क्योंकि जो पूरा नक्शा है हमारे संविधान का जो पूरा नक्शा है हमारे देश का हमारी जो भी लॉज है वो सब चैलेंज किया जा रहा है कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वो बदल गया है अब मंदिरों के ऊपर विवाद उठ गए हैं हिजाब क्योंकि वो मुसलमान खवातीन कुछ मुसलमान खवातीन पहनना चाह रही हैं वो भी कोर्ट पे आया है हाँ हालांकि वहां स्प्लिट जजमेंट था लेकिन एक जजमेंट जो एक जज ने लिखा बहुत ही शानदार चीज उन्होंने कही पर्सनल चॉइस के बारे में वो अच्छा जजमेंट था लेकिन हर चीज को लेकर हम लोग कोर्ट में पहुंच रहे हैं तो द कोर्ट इज द लास्ट व्हेन द कोर्ट बिकम्स द लास्ट प्लेस फॉर एवरी सिविल चैलेंज फॉर एवरीथिंग देन यू नो दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री आर इन सम काइंड ऑफ ट्रबल बट क्योंकि आई बीन अ जर्नलिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम लेकिन इतना कि कोर्ट्स पर नजर रखें कि आज क्या जजमेंट आएगा किस चीज को लेकर ये कभी नहीं हुआ था लोग पॉलिटिकल ब्रीफिंग्स में जाते थे पार्टी ऑफिसेज में बैठते थे कोर्ट की अहमियत हमेशा थी ये मैं ये नहीं कह रही लेकिन अब तो डेली अहमियत बन गई है मीडिया पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूं क्योंकि पूरा नक्शा मुल्क में बदलने की कोशिश हो रही है और हर चीज चैलेंज हो रही है तो मैं क्या कहूं आप लोगों से आई एम हियर इन सपोर्ट आई वाज आस्क्ड बाय सम ऑफ द पीपल एंड देन आई वाज टोल्ड बाय अदर्स यू मस्ट नेवर गो पब्लिकली टू सच प्लेटफॉर्म्स एंड आई सेड दैट इज व्हेन आई सेड आई विल गो आई विल पार्टिसिपेट आई विल बी देयर इन सॉलिडैरिटी विद व्हाटएवर एफर्ट्स देयर आर फॉर सिटीजंस I do believe that there is a lot which has been lost, but there is a lot left to fight for, and we must keep doing that. Thank you very much. आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. एंडी पंचोली साहब, दिलीप यूसीएल के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. और तेजेंद्र आहूजा साहब जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो जनरल सेक्रेटरी हैं. और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप लोग इतने शॉर्ट टाइम पर और खासतौर पर जिस समय में आज की जो स्थिति को देखते हुए आप लोग आए, तो वो ये बहुत काबिले तारीफ की बात है कि आप लोग सब यहाँ एकजुट हुए. और ये समय बहुत बहुत जरूरी है कि हम सबको एक साथ मिलकर इस देश में घटनाएं घट रही हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं. और पीयूसीएल के परिचय की जो बात है, पीयूसीएल का जो बनाने का पर्पस ये था, इस देश में 1975-1976 में जब इमरजेंसी का दौर था, इस देश में जो सबके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, उस दौर में पीयूसीएल का जन्म हुआ. और जयप्रकाश नारायण साहब और हमारे जस्टिस तारकुंडे साहब की सोच थी कि इस समय में एक ऐसा संगठन बने जो कि मानव अधिकार और खासतौर पर जो ह्यूमन के मूल अधिकारों का किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता. तब पीयूसीएल ने बहुत एक्टिवली काम किया, जिस तरीके से जेलों में भरा जा रहा था, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा था, फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल डिमोलिश किया जा रहा था, उसको खत्म किया जा रहा था सरकार के द्वारा. तो पीयूसीएल का गठन होता है और पीयूसीएल एक्टिवली काम करती है. हमारा बेसिकली जो इस पूरी कंट्री में खासतौर पर जो काम है ह्यूमन राइट्स पर है, और जिस तरीके से मानव अधिकार का हनन हम लोग सब देख रहे हैं, उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं. आज
जो हमारे बीच में जो स्पीकर्स हैं, ऑनरेबल स्पीकर्स हैं, हम उन्हें सुनेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आज का दौर भी उस समय जो 1976-1975 में जो स्थिति थी, मुझे लगता है कि आज भी अघोषित आपातकाल में हम लोग रह रहे हैं। तो हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हम सब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सब अपने स्पीकर्स को, ऑनरेबल स्पीकर्स को सुनना चाहेंगे। थैंक यू। कि उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने संविधान सभा में अंतिम भाषण में कहा कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, कास्ट इज एंटी नेशनल, जातियां हमारे देश की एकता के रास्ते में रुकावट हैं और भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो इस कमी को दूर करना चाहिए। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि संविधान लागू होने के बाद से अभी तक किसी राजनीतिक दल ने जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि इस राष्ट्र विरोधी जाति व्यवस्था को और मजबूत ही किया। जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, इसमें जन के आधार पर एक व्यक्ति ऊंचा है तो दूसरा व्यक्ति नीचा। SC ST OBC समाज में जन्मे लोगों को इस जाति व्यवस्था में नीच माना गया। उनके पूर्वजों को हजारों सालों तक गुलाम की जिंदगी बितानी पड़ी। मगर ये शर्मनाक है कि संविधान बनने के बावजूद आज भी उनके साथ भेदभाव और अत्याचार जारी है। तो ये एक सोचने का विषय है कि आज़ादी के बाद भी, आज भी 70 साल बाद भी, वो हालात जो है जस के तस हैं। तो उम्मीद करेंगे कि उन हालात में थोड़ा सा तब्दीली आए, उन हालात को सुधारा जाए। धन्यवाद।